यहाँ से सिंगापुर, अपने हो ची मिन्ह सिटी सिंगापुर की मेरी फ़्लाइट है, अभी मैं सिंगापुर के लिए जा रहा हूँ। बहुत प्यारा सफ़र था यार, इट्स वेरी ब्यूटिफुल सिटी। मैं कहता हूँ कि माई लाइफ में वन टाइम अगेन फिर मैं यहाँ जाऊँगा। ब्यूटिफुल सिटी है यार, मैंने बड़ी होटल पसंद से कहा था कि मुझे उठा दे पीछे, मुझे मुझे एडजेंट पर वो भूल गए। और लेट हुआ पता नहीं क्या होगा, क्योंकि 8:50 की फ्लाइट है, यहाँ पर सेट होती है और यहाँ रेडी 4 आवर्स मुझे रहना था वहाँ पर। और मैं एडवाइस देता हूँ और सजेशन से मेरा कि बिल्कुल एक बार जरूर आइए, बहुत ब्यूटीफुल सिटी है, दिल लगेगा आपका, मैन फ्रेश हो जाएगा। जरूर आइए, तो हमें याद कीजिए और प्लीज़ सब्सक्राइब मेरे चैनल। एयरपोर्ट आ गया, 7:30 हो रहे और मेरी जो फ्लाइट है 8:50 की है। अभी इमिग्रेशन क्लियर करना है, बोर्डिंग पास लेना है। किस्मत है यार, जल्दी उठ गया ना तो बहुत प्रॉब्लम हो जाता था। ये क्लियर हो जाएगा। ओके, 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 ओके। काफ़ी रो यार, वो साला डोमेस्टिक पे ला के छोड़ दिया, इंटरनेशनल वहाँ से 5-10 मिनट पैदल जाना पड़ा है। और ये लेट हो चुका है यार, 8:00 आ रहे हैं यहाँ पर ही, 50 मिनट ऐसे फ्लाइट को। इमिग्रेशन भी क्लियर नहीं हुआ और बोर्डिंग पास भी नहीं लिया हमें। हाय फ्रेंड्स, फाइनली मुझे बोर्डिंग पास मिल गया, फिर सही पर मिल तो गया। मेरी स्कॉट एयरलाइंस अभी 8:50 सिंगापुर जा रहे हैं। स्कॉट एयरलाइंस मुझे 3,200 रुपये मिली, जो मैं कुछ टाइम पहले कराया, 10-8 दिन पहले करा तो उसकी मिली, शायद आप महीना फिर पहले कराओगे तो और चीप से चीप मिल जाएगी। तो ट्राई करिए कि 1-15 दिन पहले टिकट कराने की, क्योंकि एयरलाइंस बहुत चीप मिलते हैं। ओके, अल्लाह हाफिज़। इमिग्रेशन क्लियर हो गया यार, मैं एक एडवाइस देता हूँ यार, जब भी आओ एयरपोर्ट पर, जितना हम एयरपोर्ट पर गया, टूरिज्म क्राउड बहुत है, जब भी आओ 2.5-3 घंटे पहले आओ यार। अभी मेरी बोर्डिंग भी स्टार्ट हो गई, 15 मिनट्स में मेरा फ्लाइट होने वाला है। आप देख सकते हैं चेकिंग लाइन पूरी फुल है, पता नहीं यार क्या प्रॉब्लम है। एडवाइस 3 घंटे पहले ज़रूर आओ यार, क्योंकि इमिग्रेशन लाइन भी बहुत है, चेकिंग लाइन बहुत है, देखते हैं इंशाल्लाह क्या होगा। इमिग्रेशन क्लियर हो गया यार, मैं एक एडवाइस देता हूँ यार, जब भी आओ एयरपोर्ट पर, वियतनाम एयरपोर्ट पर गया, टूरिज़म क्राउड बहुत है, जब भी आओ 2.5-3 घंटे पहले आओ यार। अभी मेरी बोर्डिंग भी स्टार्ट हो गई, 15 मिनट्स में मेरा फ्लाइट होने वाला है। आप देख सकते हैं चेकिंग लाइन पूरी फुल है, पता नहीं यार क्या प्रॉब्लम है। आई गिव द एडवाइस, 3 घंटे पहले ज़रूर आओ यार, क्योंकि इमिग्रेशन लाइन भी बहुत है, चेकिंग लाइन बहुत है, देखते हैं इंशाल्लाह। फाइनली मैं गेट के पास आ चुका हूँ, गेट नंबर 9 के पास, और ये टाइम हो गया, लेकिन 15 मिनट्स डिले हो गए एयरलाइंस। हाय
से फ़ायदा होगा, नहीं तो ये लैस गई थी, वाट लगी थी मेरी 15 मिनट्स लेट होने से, बच गया है। प्लीज़ आई रिक्वेस्ट यू बिफोर 3 आवर्स इन कमिंग विद माय एयरपोर्ट, इट्स बेटर फॉर यू। देख सकते हैं आप, काफ़ी टाइम तो हो गया, अभी माशाल्लाह बोर्डिंग भी क्लियर हो गया, सुबह में अभी मैं सिंगापुर के लिए जा रहा हूँ और मेरी फ्लाइट है अभी 9:55 की, जो डिले हो गया 7:05 की हो गई, तो अभी 3 घंटे में मैं सिंगापुर में रहूँगा इंशाल्लाह। सिंगापुर में क्या इमिग्रेशन क्वेश्चन है, क्या रूल्स एंड रेगुलेशन है, इंशाल्लाह आई विल शेयर यू। तो फ्रेंड्स फाइनली मेरा इमिग्रेशन क्लियर हो गया, आप देख सकते हैं इमिग्रेशन क्लियर हो गया और फ्लाइट भी ले चुका हूँ अब सिंगापुर। 3 घंटे में सिंगापुर में पहुँच जाऊँगा, काफ़ी बहुत प्यारा एक्सपीरियंस था मेरा। मैंने जो डिसीजन लिया था वियतनाम आने का, सोचा था जाऊँगा, लेकिन जब आया तो अभी जाने का दिल नहीं था मेरा, दिल जरूर नहीं है कि मैं वापस जाऊँ। वेरी ब्यूटीफुल सिटी, बहुत इंजॉयमेंट हो सकता है फुल, ज़्यादा से ज़्यादा यंगर्स को इन्जॉय करना है या फन करना है तो बेटर देन बैंकॉक यहाँ पर आ जाओ, अच्छा रहेगा, चीप एंड बेस्ट है, होटल्स ऑल्सो चीप है, एवरीथिंग चीप्स है। ओके, अल्लाह हाफिज, प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल, मिलते हैं सिंगापुर वीडियोज़ के साथ। सिंगापुर आ गया, वहाँ से मेरी 9 बजे फ्लाइट थी वियतनाम से और सिंगापुर के लिए, तो यहाँ वहाँ का लोकल टाइम अभी वहाँ 12:30 हो रहे, 11:30 हो रहे वहाँ पर सुबह का, और यहाँ पर 1 घंटा सिंगापुर आ गया है, यहाँ 12:30 हो रहे, लगभग 2 घंटे की जर्नी थी वियतनाम टू सिंगापुर के। आगे इमिग्रेशन के जितने भी वीडियोस होंगे मैं इंशाल्लाह। अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल माय फ्रेंड्स। मैंने आपको ये होटल के बारे में भी डिस्कशन करना चाहता हूँ। ये कैप्सूल होटल है जिसका नाम सनलाइन होटल है, ये हो ची मिन सिटी में है, एकदम ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल है, आप इस इंतहा नहीं लगा सकते, आप इसको देख के लगेगा कि आप 3D कोई गेम खेल रहे हैं। देख सकते आप इसका रूफ, देख सकते हैं आप इसे, देख सकते हैं आप, बहुत काफ़ी खूबसूरत है। मैं आपको मेरा रूम बताता हूँ, मेरे जो पीछे है 5 नंबर, ये जो है 5 नंबर जो है ये मेरा रूम है, ये कैबिन जैसा बना है, नीचे एक जने रह सकते हैं, ऊपर एक जने रह सकते हैं, बहुत ब्यूटीफुल है, बहुत ब्यूटीफुल है। 500 रुपीज़ इंडियन रुपीज़ में पर नाइट आपको ये मिल जाएगी होटल, वेरी चीप, देख सकते हैं आप। ये मेरा रूम है, ये LCD है, ये मेरा रूम है, आप चाहे तो इसमें सुकून से रह सकते हैं, कार्ड सिस्टम्स है, अभी इसमें कार्ड लगाना होगा, ये कार्ड लगा चुका हूँ मैं, अभी आप देखिए मेरे सामने LCD भी है। ये AC है यहाँ पर, ये बेड है, ये मेरा बैग है, ये जो सामने के जो है पूरे कैप्सूल्स, ये भी रूम से छोटे बने, ऊपर एक है नीचे एक है, दो टाइप की टू है ये, और ये मेरे सामने LCD है, और मैं भी लाइट बड़ी करता हूँ, ये लाइट अभी बड़ी नहीं हो रही है। कंपनी की तरफ, होटल की तरफ से एक आपको ब्रश और एक वाटर बॉटल, टच स्क्रीन सिस्टम है, जैसा चाहे आप लाइट इसको बड़ी भी कर सकते हैं, आप छोटी भी कर सकते हैं, मैं बड़ी कर रहा हूँ थोड़ी सी, देख सकते हैं ये है, ये मैं हूँ। होटल की तरफ से वाटर बॉटल, बहुत खूबसूरत सा रूम है, TV है, बेड्स है, एवरीथिंग है। मैं आपको वॉशरूम बताता हूँ, एकदम खूबसूरत सा वॉशरूम है, अभी मैं उतर चुका हूँ, अभी मैं ये जो
क्रॉस कर रहा हूँ, ये हो गया क्लोज, ये मेरा 5 नंबर का जो है मेरा कैबिन है, ये आप देख सकते हैं, ये जो है रूम है, ये 20 फ्लोर्स का बिल्डिंग है ये, और ये है लॉकर्स, सेफ्टी लॉकर्स, ये आपके लिए कुछ भी आपको रखना है तो ये लॉकर्स है, सेफ्टी लॉकर्स है, इसका भी आपको जो कार्ड है कार्ड एंट्री करने पर आप इसमें एड्रेस भी देख सकते हैं, कैप्सूल होटल और ड्रेस के लिए दिख रहा है होटल से मेरे, ये मेरा वाला लॉकर है 5 नंबर का, इधर जाएगा तो खुल जाएगा। अभी इसमें हेडफोन वगैरह आपको यूज़ करने के लिए फ्री देंगे, बहुत ब्यूटीफुल होटल है आप देख सकते हैं, आप कितना खूबसूरत होटल है ये, बहुत ब्यूटीफुल, बहुत ब्यूटीफुल। और ये कॉर्नर साइड से भी आप फ्लोर पे देख सकते हैं आप, एकदम खूबसूरत से खूबसूरत नज़ारा है। 500 रुपीस में और क्या मिलेगा यार, इतनी खूबसूरत होटल है। फोर्थ फ्लोर पे स्विमिंग पूल है और टेरिस्ट पे भी बार है, जैसे आप जा सकते हैं बार है, ड्रिंक वगैरह कर सकते हैं। 14 फ्लोर पे रेस्टोरेंट है, अभी मैं आपको स्विमिंग पूल बताता हूँ, ले जाके वेट कीजिए आप। ये होटल है, ये रिसेप्शन है, या आई एम गोइंग अप, आई वांट टू गो फॉर अ स्विमिंग पूल फॉर 10th फ्लोर ऑफ 12th फ्लोर, 12th फ्लोर स्विमिंग पूल, या स्विमिंग पूल, या वी आल्सो हैव स्काई बार 15th फ्लोर, नो नो जस्ट आई एम गोइंग टू स्विमिंग पूल 12th फ्लोर, या थैंक यू। ये आप देख सकते हैं यहाँ पर साइबर रेस्टोरेंट है जो 15 फ्लोर पे है, बुफेट रेस्टोरेंट है 14 फ्लोर पे है, और स्विमिंग पूल 12 फ्लोर पे है। ये है स्विमिंग पूल जहाँ पर जा सकते हैं, बहुत ब्यूटीफुल स्विमिंग पूल है, ब्यूटीफुल स्विमिंग पूल है, और मैं बता नहीं सकता हूँ कितनी खूबसूरत व्यू है यहाँ पे, इतना खूबसूरत व्यू है, और मैं आपको होटल्स बता रहा हूँ, ये फोर्थ फ्लोर पे है जो यहाँ से बहुत प्यारे नज़ारे आपको मिल जाएंगे, बहुत खूबसूरत से खूबसूरत नज़ारा आपको मिल जाएगा इस व्यू।